न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स या फूड की आवश्यकता है अपने बॉडी मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए और काम करने के लिए एनर्जी के लिए। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं और विभिन्न बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में इनका प्रयोग करते हैं, न्यूट्रिशन कहलाती है। इस मॉड्यूल में हम ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। ह्यूमन बींग्स हेटरोट्रोफिक ओमनिवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं। ह्यूमन बींग्स अपना फूड प्लांट्स एनिमल्स और उनके प्रोडक्ट्स से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हासिल करते हैं। ह्यूमन डाइट के इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। ह्यूमंस में होलोजोइक न्यूट्रिशन के चार स्टेप्स हैं। इंजेशन, जब फूड को माउथ के द्वारा ग्रहण किया जाता है। डाइजेशन, जब बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। अब्सॉर्प्शन, जब सिंपल मॉलिक्यूल्स सेल्स में अब्सॉर्ब किए जाते हैं। एसिमिलेशन, जब अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सेल्स के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल्स और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल मस्कुलर वॉल्स वाली एक लंबी ट्यूब है जिसमें वेरिंग डायमीटर की ग्लैंडुलर एपिथेलियल लाइनिंग है। ये माउथ से एनस तक एक्सटेंड करती है। अनकॉइल होने पर एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 9 मीटर लंबी ट्यूब के बराबर है जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बहुत सारे डक्ट्स खुलते हैं और अपनी डाइजेस्टिव सिक्रीशंस ऐड करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में विभिन्न ऑर्गन्स हैं। माउथ, बुकल कैविटी, फैरिंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इनके साथ एसोसिएटेड 3 ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स बकल कैविटी में, लिवर, पैनक्रियाज। अब विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं जो सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से पास होता है। डाइजेशन इन माउथ एंड ईसोफेगस। सबसे पहले भोजन हमारे माउथ में दांतों की मदद से क्रश किया जाता है। बुकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया गया फ्लूइड यानी सलाइवा क्रश्ड फूड को गीला करता है। सलाइवा में एक एंजाइम मौजूद है सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में तोड़ता है। इसके बाद वेट फूड को एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। ईसोफेगस की वॉल्स हाईली मस्कुलर हैं। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, यानी वॉल्स का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को आगे की तरफ ट्रैक में बढ़ाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती है। माउथ से फूड पाइप या ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में जाता है। डाइजेशन इन स्टमक। अब फूड की आगे की डाइजेशन स्टमक में होती है। स्टमक की मस्कुलर वॉल्स फूड को गैस्ट्रिक जूसेस के साथ थरोली मिक्स करने में मदद करती हैं। स्टमक के इनर सरफेस पर 3 प्रकार के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम का निर्माण करता है जो कि पेप्सिन एंजाइम के एक्शन को फैसिलिटेट करता है। म्यूकस स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिड के एक्शन से बचाता है। स्टमक में मौजूद स्फिंक्टर मसल्स छोटी छोटी मात्रा में फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती हैं। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की कंप्लीट डाइजेशन होती है। ये तीन भागों में विभाजित है, ड्यूडेनम, जेजुनम और ईलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को लिवर और पैनक्रियास के सिक्रीशन भी प्राप्त होते हैं। स्टमक से आने वाला भोजन एसिडिक होता है और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के एक्शन के लिए इसे अल्कलाइन बनाना आवश्यक है। बाइल जूस जब तक इसकी आवश्यकता ड्यूडेनम में ना पड़े तब तक गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। बाइल जूस अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है और फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है और एंजाइम एक्शन को और असरदार बनाता है। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं जिसमें एंजाइम्स ट्रिप्सिन और लाइपेज मौजूद होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स की डाइजेशन में मदद करता है और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस सकस एंटेराइकस को रिलीज करते हैं। ये बहुत सारे एंजाइम्स का मिक्सचर है। ये एंजाइम्स प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में ब्रेक डाउन करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं इसलिए बड़ी आसानी से इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा अब्सॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में अनगिनत छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई मौजूद होते हैं जो अब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया में वृद्धि करते हैं। विलाई में बहुत अधिक मात्रा में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जो कि अब्सॉर्ब्ड फूड को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाती हैं। सेल्स में इन न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग एनर्जी, नए टिश्यूज को बनाने के लिए और ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए होता है। इस प्रोसेस को असिमिलेशन कहते हैं। डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी तीन भाग हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। अब्सॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकती है लेकिन विलाय की एब्सेंस के कारण यहाँ अधिकतर वाटर अब्सॉर्ब होता है। अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में फीसिस की तरह जमा होता है जहाँ रेक्टल वॉल्स अनडाइजेस्टेड फूड से मेनली वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं। रेक्टल वॉल्स ल्यूब्रिकेशन के लिए म्यूकस सिक्रीट करती है। फीकल मैटर अंततः एनल ओपनिंग के द्वारा बाहर इजेस्ट कर दिया जाता है। वेस्ट मटेरियल का एग्जिट एनल स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा रेगुलेट होता है। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन को समझ चुके होंगे।